ओम शांति। 21 फरवरी 2022 साकार मुरली। आज की मुरली के सार में प्राण प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तो बाप के साथ चल सको। प्रश्न, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं? उत्तर, बाप का पहला फरमान है कि बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है, इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ, इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद ना आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। गीत, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है, इस नशे में रहे श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बनना और बनाना है। नंबर 2, देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है। विचित्र यानी अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूरत भव। विस्तार है, सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की है। जैसे सोचते और कहते हो कि आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप है, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप, तो स्वरूप में स्वयं को दूसरे को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो, लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूरत बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है, तो अनुभवों को बढ़ाओ। स्लोगन, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।